सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के टॉप 5 ऐसे म्यूजिकल फाउंटेन के बारे में बताने वाला हूँ और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और वो टॉप 5 म्यूजिकल फाउंटेन कहाँ कहाँ है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए जो है आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। सो दोस्तों, टॉप 5 नंबर पर आता है ये रायपुर का नया म्यूजिकल फाउंटेन। सो दोस्तों, इस म्यूजिकल फाउंटेन की जो ओपनिंग है वो 22 नवंबर 2020 को हो गई थी और यह अभी भी शाम में पब्लिक के लिए जो है ओपन रहता है। यह रायपुर का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन है जो बूढ़ा तालाब में यह रायपुर में बना है। यह डेली पब्लिक के लिए ओपन रहता है। कुछ दिन तक यह इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन हुआ करता था, बट यह पुरानी बात हो गई है। 5 करोड़ की लागत से इसको जो है बनाया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है म्यूजिकल फाउंटेन का आपको बहुत ही अच्छा जो है शो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है शाम को आप आ सकते हो। यहाँ की जो टिकट है वो 75 रुपये है। तो शाम को यहाँ पर आप म्यूजिकल फाउंटेन का जो है इंजॉयमेंट जो है कर सकते हैं। सो दोस्तों, उसके बाद टॉप 4 नंबर पर आता है बाग ए बहू म्यूजिकल फाउंटेन, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का है। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त वाला जो है म्यूजिकल फाउंटेन है और इसको जो है 10 करोड़ की लागत से जो है बनाया गया है। सो दोस्तों, इस म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन 2019 में हुआ था। कोविड-19 की वजह से इसे शुरू होने में समय लग गया। और दोस्तों, यहाँ पर जो बैठने की जो व्यवस्था है, जो कैपेसिटी है, वो VIP के लिए 100 है और पब्लिक के लिए 300 की जो है कैपेसिटी है। तो यहाँ पर जो है आपको VIP के लिए 100 और पब्लिक के लिए जो 300 जो है कुर्सियाँ बैठने के लिए मिल जाएंगी। सो दोस्तों, यहाँ पर जो है म्यूजिकल फाउंटेन का जो फव्वारा है वो पानी संगीत की धुन पर जो है रंग बदलता है। अलग अलग कलर के जो है रंग जो है आपको यहाँ पे नज़र आएंगे और साथ ही साथ जो है डांस भी जो है संगीत के धुन पर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको लेज़र शो भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। और स्क्रीन पर जो है अलग अलग जो है आकृतियों का जो है प्रदर्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई साहब, यहाँ का जो नज़ारा ना वो बहुत ही उत्साहित और मनमोहक होता है और यहाँ का जो शो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई। यह लाइट एंड साउंड शो से पर्यटकों को जम्मू कश्मीर और डुग्गर संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। सो दोस्तों, यहाँ पर आप विज़िट कीजिए और इस शो को जो है इंजॉय कीजिए। सो दोस्तों, इसके बाद टॉप 3 नंबर पर आता है हैदराबाद का म्यूजिकल फाउंटेन, जो कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हुसैन सागर में भारत का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन फ्लोटिंग फाउंटेन लॉन्च किया था, जिससे कि झील पर्यटकों के लिए और अधिक यह आकर्षण का जो है केंद्र बन गया। NTR मार्ग के पास जो फव्वारा लॉन्च किया गया है उसकी ऊंचाई लगभग 90 मीटर है। यह 180 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। इसे 17.2 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। और दोस्तों, यहाँ का जो म्यूजिकल फाउंटेन है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ज़बरदस्त है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, संगीत के साथ परफेक्ट मतलब कि प्रॉपर जो है सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। संगीत को मतलब संगीत के जो बीट है उसके ऊपर जो है इस फव्वारे के जो है नचाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कितने खूबसूरत तरीके से जो है बीट पर जो है संगीत के बीट पर जो है यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन जो है किया जा रहा है। तो ये जो म्यूजिकल फाउंटेन है आपको हैदराबाद में हुसैन सागर में जो है देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, उसके बाद टॉप 2nd नंबर पे आता है, वो आता है सहज आनंद मल्टीमीडिया वाटर शो अक्षरधाम का। सो दोस्तों, यहाँ पर जो है म्यूजिकल फाउंटेन जो शो है वो 24 मिनट का होता है। सो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको मल्टी कलर लेजर शो, वीडियोज प्रोजेक्शन शो, पानी के नीचे की लपेट, पानी के जेट और रोशनी, ये सब जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, यहाँ पर भी जो है बहुत ही अच्छा जो है म्यूजिकल फाउंटेन जो है शो होता है, बहुत ही अच्छा जो है शो यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। अगर आप यहाँ पर अगर जाके अगर रियल में देखेंगे तो और भी ज़्यादा जो है मज़ा आएगा। तो दोस्तों, यहाँ की जो टिकट है वो 12+ वालों के लिए 90 रुपये है और 60+ वालों के लिए भी 90 है और 4 साल से 11 साल वालों के लिए जो है 60 रुपये टिकट है। सो दोस्तों, यहाँ का जो है डेली जो है शो होता है शाम को, तो यहाँ पर आप विज़िट कीजिए। मैंने तो आपको टिकट बता ही दिया है, तो यहाँ पे आप विज़िट कीजिए और इन्जॉय कीजिए। सो दोस्तों, इसके बाद टॉप नंबर 1 पे आता है, वो आता है फुटा लेक म्यूजिकल फाउंटेन शो, जो कि
75 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसमें आपको लेजर शो, फायर शो और साथ ही साथ आपको पानी के पर्दे के ऊपर नागपुर की सारी हिस्ट्री जो है देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आवाज़ अमिताभ बच्चन सर की है और नाना पाटेकर सर की है। सो दोस्तों, ये फुटाया लेक का मल्टी मीडिया शो का जो टाइम है वो 30 मिनट का होता है। पहले 10 मिनट नागपुर शहर की हिस्ट्री पर बताया जाता है, उसके बाद जो 20 मिनट बचे हुए होते हैं वो संगीतमय और साथ ही साथ जो है लाइट शो के ऊपर होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, अलग अलग कलर के जो है फव्वारे, मल्टी कलर के जो है फव्वारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सॉन्ग के बीट के ऊपर डांस करते हैं। बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन किया गया है। इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाया है, मतलब कि फुटाया लेक म्यूजिकल फाउंटेन का जो फुल शो है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है और अपलोड भी किया है। अगर आप इसका जो फुल वीडियो, फुल शो जो है देखना चाहते हो तो उसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको शो देखने के लिए गैलरी मिल जाएंगे, जिसमें 4000 की कैपेसिटी है, मतलब कि 4000 जो है एक साथ जो है इस शो को देख पाएंगे। सो दोस्तों, इस फुटाया लेक म्यूजिकल फाउंटेन का जो उद्घाटन है वो अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारा जो काम बचा हुआ है। मतलब कि फुटाया लेक म्यूजिकल फाउंटेन के अपोजिट में एक बिल्डिंग बन रही है, बस उस जैसे ही वो बन जाता है तभी जाके जो है फुटाया लेक म्यूजिकल फाउंटेन का जो है उद्घाटन हो जाएगा। फुटाया लेक म्यूजिकल फाउंटेन के अपोजिट में जो बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर जो है पार्किंग की सुविधा होने वाली है। इसमें आपको 1100 वाहन की पार्किंग मिलने वाली है और साथ ही साथ जो है 12 फ्लोर का जो इमारत है उसमें आपको होस्टिंग, फूड प्लाजा, मॉल, मल्टीप्लेक्स, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, ये सब जो है आपको उस बिल्डिंग में जो है देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, गैलरी के पास भी जो है पार्किंग की जगह होंगी, जहाँ पर 13 कार, 24 दुपहियों और 24 साइकिलों के लिए जो है पार्किंग स्लॉट होंगे। और दोस्तों, इसी के साथ साथ जो है म्यूजिकल फाउंटेन में जो नागपुर की हिस्ट्री बताई जाती है उसमें जो कमेंट्री है वो अमिताभ बच्चन सर की है, जो कि इंग्लिश में है, और हिंदी में गुलजार सर की है, और मराठी में नाना पाटेकर सर की है। और दोस्तों, G20 के दिन जो 20 प्रतिनिधि नागपुर में आए थे उनको भी जो है फुटाया लेक म्यूजिकल फाउंटेन का जो है शो दिखाया गया, और आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने इस शो को दुनिया का नंबर 1 शो कहा है। उन लोगों को यह शो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, ऐसा शो जो है उन्होंने पहली बार देखा और इस शो में जो है उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ऐसा उन्होंने कहा है। सो दोस्तों, इस फुटाया लेक म्यूजिकल फाउंटेन में और भी जो है नए प्रोजेक्ट जो है जुड़ने वाले हैं, उसका जो है अपडेट इस चैनल पर जो है आते रहेगा। तो इसके लिए जो है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।